जबूर एक दो राहें, मुबारक है वह जो न बेदीनों के मसरे पर चलता, न गुनहगारों की राह पर कदम रखता और न तानाजनों के साथ बैठता है, बल्कि रब की शरीयत के लुफ्त अंदाज होता और दिन रात उसी पर गौरव खोज करता रहता है। वह नहर के किनारे पर लगे दरख्त की मानिंद है, वक्त पर वह फल लाता और उसके पत्ते नहीं मुरझाते, जो कुछ भी करे उसमें वह कामयाब होता है। बेदीनों का यह हाल नहीं होता, वह भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए बेदीन अदालत में कायम नहीं रहेंगे और गुनहगार का रास्ताबाजों की मजलिस में मकाम नहीं होगा, क्योंकि रब रास्ताबाजों की राह की पहरेदारी करता है, जबकि बेदीनों की राह तबाह हो जाएगी। आइए अगला जबूर पढ़ते हैं। जबूर दो, अल्लाह का मसीह। अक्वाम क्यों तेज में आ गई है, उम्मतें क्यों बेकार साजिश कर रही है, दुनिया के बादशाह उठ खड़े हुए, हुक्मरान रब और उसके मसीह के खिलाफ जमा हो गए हैं। वह कहते हैं, आओ हम उनकी जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हो जाएं, उनके रस्सों को दूर तक फेंक दे। लेकिन जो आसमान पर तकसील है वह हंसता है, रब उनका मजाक उड़ाता है, फिर वह गुस्से में उन्हें डांटता, अपना शदीद गजब उन पर नाजिल करके उन्हें डराता है। वह फरमाता है, मैंने खुद अपने बादशाह को अपने मुकद्दस पहाड़ सियोन पर मुकर्रर किया है। आओ मैं रब का फरमान सुनाऊं। उसने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज मैं तेरा बाप बन गया हूँ। मुझसे मांग तो मैं तुझे मीराश में तमाम अक्वाम अता करूँगा, दुनिया की इंतहा तक सब कुछ बख्श दूँगा। तू उन्हें लोहे के शाही अस्सा से पास करेगा और उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर करेगा। चुनाचे ऐ बादशाहो, समझ से काम लो, ऐ दुनिया के हुक्मरानों, तरबियत कबूल करो, खौफ करते हुए रब की खिदमत करो, लरजते हुए खुशी मनाओ, बेटे को बोसा दो, ऐसा ना हो कि वह तुम्हें बेटे को बोसा दो ऐसा न हो कि वह गुस्से हो जाए और तुम रास्ते में ही हलाक हो जाओ, क्योंकि वह एकदम तेज में आ जाता है, मुबारक है वह सब जो उसमें पना लेते हैं, मुबारक है वह सब जो उसमें पना लेते हैं। और आइए अब पढ़ते हैं अगला जबूर, जबूर तीन, सुबह को मदद के लिए दुआ। दाऊद का जबूर उस वक्त जब उसे अपने बेटे अबिसलूम से भागना पड़ा। ऐ रब, मेरे दुश्मन कितने ज़्यादा हो गए हैं, कितने लोग मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, मेरे बारे में बहुतेरे कह रहे हैं, अल्लाह इसे छुटकारा नहीं देगा। लेकिन तू ऐ रब चारों तरफ मेरी हिफाजत करने वाली ढाल है, तू मेरी इज्जत है जो मेरे सिर को उठाए रखता है। मैं बुलंद आवाज़ से रब को पुकारता हूँ और वह अपने मुकद्दस पहाड़ से मेरी सुनता है। मैं आराम से लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि रब खुद मुझे संभालता है। मैं आराम से लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि रब खुद मुझे संभालता है। मैं उन हजारों से नहीं डरता जो मुझे घेरे रहते हैं। ऐ रब उठ, ऐ मेरे खुदा मुझे रिहा कर, क्योंकि तूने मेरे तमाम दुश्मनों के मुंह पर थप्पड़ मारा है, तूने बेदीनों के दांतों को तोड़ दिया है। रब के पास नजात है, तेरी बरकत तेरी कौम पर आए। अब आइए पढ़ते हैं अगला जबूर, जबूर नंबर चार, शाम को मदद के लिए दुआ। दाऊद का जबूर मासूकी की रहनुमा के लिए तारदार साजों के साथ गाना है। ऐ मेरी रास्ती के खुदा, मेरी सुन जब मैं तुझे पुकारता हूँ। ऐ तुझे मुसीबत में मेरी मखलशी कर रहा है, मुझ पर मेहरबानी करके मेरी इल्तजा सुन। ऐ आदम जादो, मेरी इज्जत कब तक खाक में मिलाई जाती रहेगी,
तुम कब तक काबिल चीज़ों से लिपटे रहोगे, कब तक झूठ की तलाश में रहोगे। जान लो कि रब ने ईमानदार को अपने लिए अलग कर रखा है। रब मेरी सुनेगा जब मैं उसे पुकारूंगा। गुस्से में आते वक्त गुनाह मत करना, अपने बिस्तर पर लेटकर मामले पर सोच विचार करो, लेकिन दिल में खामोशी से रास्ते की कुर्बानियां पेश करो और रब पर भरोसा रखो। बहुत तेरे शक कर रहे हैं, कौन हमारे हालात ठीक करेगा। ऐ रब, अपने चेहरे का नूर हम पर चमका। तूने मेरे दिल को खुशी से भर दिया है, ऐसी खुशी से जो उनके पास भी नहीं होती जिनके पास कसरत का अनाज और अंगूर है। मैं आराम से लेटकर सो जाता हूँ क्योंकि तू ही ऐ रब मुझे हिफाजत से बसने देता है। हमने पढ़ा जबूर 1 से लेकर 4। आप हमारे चैनल पर तमाम जबूर, 5-5 जबूर करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। अल्लाह ताला आज के इन 4 जबूरों के द्वारा आपके जीवन में उजाला लाए, आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। परमेश्वर का वचन आज आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस।